दलित संघर्ष समिति कर्नाटक देवेगानी बड़गेर महिला जिला संचालक के डीएसएस भीमार्ग सह दलित संघर्ष समिति कार्यक्रम परवा हृत्पूर्वक स्वागत बयसते वस्तु बड़के रूपाय मत हाथी भाग नोड़ को मत हाकल ओट हाकलो तीन हाथे बाजू नवाज खान के वोट हाकर कितने साल के लिए वोट वाले 5 साल एक साल में कितने दिन रहता 365 5 साल का कितना होता कितने दिन होते 365 एक साल का 365 है ना 5 साल का मेरे को जल्दी देखकर नहीं आता दिल्ली में टिकट पूछने गया था काम में तो ठीक भेटा फजला था रखा गुणाकार मार ऐसा करने के बाद 1825 दिन हो रहे 1825 दिन 500 रुपया तो दिन को कितना होता मैं कह रहा यहाँ पर थोड़ा हिसाब कराया 500 रुपया को 1825 दिन से भाग कर तो गंगा मकोरे वन दिन का 27 पैसा होता हंडी सही तरी बिस्किट के नाला सुवर बिस्किट नहीं खाता कुत्ता भी बिस्किट नहीं खाता मगर हम भारत के महान देश भारत महान के महान लोग 47 पैसे भी और ज्यादा 200 भी आते 9.5 पैसे होते कितने कहां भारत महान है हमको शर्म आना चाहिए देखना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर मन समाज ना होता है ना यार हम कोई उसका जरूरत नहीं चौड़ा रखे महाराष्ट्र अंदर काल बाबा साहेब अंबेडकर होराट नाटक समय आ कले नूर कोटिस्कोत्र अत्युत जन के एस सी एस टी मैनारीटी ओबीसी यद जन के लिए नूर मुट समय अंबेडकर अंदर कालू सहजवे अंदर काल चौड़ा प्रवेश कष्ट श्रम वह जन साथ मार्गदे ना चौड़ा प्रवेश तारतम्यूलभूत हकु गाड़ी वैद्य इवेल खर्च अंबेडकर ना हक सको विशेषवा चौड़ा प्रवेश मेले अनेक नम दलित संघटने कटक नावी नदी प्रवेश अंत ना प्रश्न हण प्रवेश बाबू प्रवेश गुड़ गुंडार प्रवेश जीरो सुमार 75 वर्ष नम संघ नानू स्थल राजधानी हूबड़ी मुखातन एलू भावी प्रवेश कार्यक्रम गुड़ी प्रवेश अंत कार्यक्रम होटेल प्रवेश कार्यक्रम चौड़ा प्रवेश ऐन ना हमल बर चौड़ा प्रवेश नमेल प्रवेश अल प्रवेश तक हमें शिक्षण साध्य तक ना होराट साध जीवन साध्य अदक मार्ग हाक मार्ग चौड़ा प्रवेश ना मार्ग कटकू ना सहित नम मे विद्यद मुखातर सामाजिक संविधान रूप ना कने हल मजी मजी स्कूल प्रवेश अंत कार्यक्रम भारत सदियों से हजारों सालों से यहाँ पर इंसानियत शर्मसार थी और बहुत ही दुख और इसकी बात है उन कहानियों को दोहराना कि यहाँ पर दलितों के साथ जो सुलूक होता था
पांडव की बेटी का माहौल था, जो छुआछात का माहौल था, इस माहौल में हमारे कई महापुरुषों ने अपनी जानें गंवाई और एक लंबा संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष के माहौल में यहाँ पर जन्म लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैंने ऐसे माहौल में जन्म लिया जबकि देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ उस लड़ाई पर ज्यादा फोकस किया कि यहाँ पर जो इंसानों को छोटा और बड़ा और ऊंच और नीच की बुनियादों पर बांट दिया गया था, इस लड़ाई को एक दिशा देने के लिए उन्होंने ये तय कर लिया कि जब ये देश अंग्रेज छोड़ कर जाएंगे तो देश को संविधान से चलता है। अब संविधान अगर इस समय का कोई भी लिखेगा तो यहाँ पर फिर वही मनुष्य मूर्ति का कानून होगा और फिर वही इंसानों को छोटे और बड़े से बांट दिया जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं संविधान लिखूं और इस संविधान में यहाँ के पिछड़ों और छोटों और दलितों को और सभी इंसानों को बराबर का हक हो। उन्होंने इस लड़ाई को खड़ी से लड़ा और संविधान इस मुल्क का लिखा। यहाँ पर आज हम ऊंची नीच को भुला कर हम शान और शान से भी इंसान एक साथ जीते हैं। इसी लड़ाई के एक हिस्से के तौर पर 20 मार्च 1927 को महान सत्याग्रह के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तालाबों पर जाकर पानी पीने का अभियान शुरू किया। उसी दिन उन्होंने एक ऐलान किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे लेकिन इससे ये बात साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानों को इंसानों की तरह तालाबों में हाथ लगाने चूहों पर जाने और पानी पीने और किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई को जब उन्होंने लड़ा तो जो चौदह तालाब में जो पानी पीकर तमाम दिलों को बाबा साहब ने इंसानों का ध्वजा दिलाया और ये लड़ाई को उन्होंने बाखूबी लड़ा, जिसकी वजह से